96 से हम इकट्ठे हैं और अंडर-19 हम इकट्ठा खेले, फिर पाकिस्तान काफ़ी टूर्स इकट्ठे किए हमने हमने तकरीबन 10 साल इकट्ठे गुजारे हैं। नहीं, लाला की करनी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कि कुछ जरूरी काम हो। बहुत एहतियात से चलता हूँ क्योंकि एहतियात का मतलब ये है कि ये हमारा जो है ना, मेरा चुन्नी बाबू, मेरी फैंस मेरी ज्यादा है लेकिन फ्रेंड्स इसकी ज्यादा है। Our Mahmood from New York Warriors platform and our day could not get any better because we have two of the warriors from our team. और अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लेके अब तक जितनी भी क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, लेजेंडरी क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, उसमें अभी तक इनका साथ इतना पुराना है कि जैसे बस बरसों से चलता आ रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी इनको इंट्रोडक्शन का, बिकॉज दीज नेम्स एक्चुअली नीड नो इंट्रोडक्शन। वी हैव विद अस द बूम बूम शाहिद आफरीदी एंड हमारे बहुत प्यारे अब्दुल रजाक भाई। तो पहले वन बाय वन हम पहले आपसे बात करते हैं। लाला, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर अस। ओवरऑल बताएं, अमेरिका में क्रिकेट आ गया, क्रिकेट पाकिस्तान, एशिया, इंडिया, हर जगह फैल रहा था, नाउ इट इज हियर इन अमेरिका, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक वेल, जहाँ पे भी इस वक्त लीग्स, क्योंकि हर जगह ही हो रही है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है कि जिनको चांस नहीं मिल पाता, और ख़ास तौर पे उस मुल्क के लिए कि जिन बच्चों ने आगे जाके उस मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। और मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है। आई नो कि T10 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है कि जिसे क्रिकेट ऐसे मुल्कों में जहाँ नहीं होती वहाँ पे इंट्रोड्यूस क्विकली सब चीज़ें हो जाती हैं, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता विजिट करने का। आई नो, बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल। और अमेरिका में तो फास्ट पेस लाइफ नहीं, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वो कम्यूनिटीज़ हैं जो दुनिया में हर जगह है और क्रिकेट इज़ लाइक सम ऑफ द कंट्रीज, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। आई नो, बट इस ये एक मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है और आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा भी, जैसे वर्ल्ड कप के कुछ आध मैचेस भी T20 के यहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो आई मीन के एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और क्रिकेट होनी चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ T10 फॉर्मेट को आप ओलंपिक्स में लेके जाएँ। अच्छा, क्योंकि हम यहाँ पे स्विमिंग पूल के साइड पे भी हैं तो इससे थोड़ा बहुत हमें आइडिया तो हो जाता है कि आप दोनों माशाल्लाह से कितने फिटनेस फ्रीक हैं, कितना अच्छे तरीके से अपना ख्याल भी रख रहे हैं कि इस एज में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अंदाजन बताएं कि इतनी लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? ये एकदम उम्र हो गई, लेकिन कितनी हो गई है एकदम सवाल, इतने अच्छे करते हैं कि तो ये कहाँ पहुँच गई है तुम? ये वैसे बस रिजाक भाई आपसे प्यार है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं आपको, इतने अच्छे, बहुत यंग है। अच्छा, वैसे लाला की एज ब्रैकेट में ही आप हैं? हाँ जी, इकट्ठे ही है, इकट्ठे ही साथ है। अच्छा, तो आपकी जो दोस्ती है कितने साल पुरानी है, कब से चलती आ रही है और कितनी गहरी दोस्ती है? 96 से हम इकट्ठे हैं और अंडर-19 हम इकट्ठा खेले, फिर पाकिस्तान काफ़ी टूर्स इकट्ठे किए हमने तकरीबन 10 साल इकट्ठे गुजारे हैं। अच्छा। और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और बड़ा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो रिकी पॉन्टिंग ने स्टेटमेंट दी थी कि शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक ये दो प्लेयर हैं जिससे हमें थोड़ा सा डर है और हम इनको कोशिश करेंगे इनको रन ना करने दे, परफॉर्म ना करने दे। तो ये एक बड़ा अच्छा होता है साइन, जितने भी यंगस्टर हैं अगर उनको एक अच्छा दोस्त मिला हो जो कि हार्ड वर्किंग में हो, जो क्रिकेट पे फोकस हो और जो बिल्कुल टोटली वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता हो, तो इतना ये इम्पोर्टेंट है। अगर वही यहाँ अगर दोस्त की जगह पे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो बिल्कुल कोई शौक ना, ट्रेनिंग का, हाँ ट्रेनिंग ना करने का शौक हो, बाहर घूमने का टाइम वेस्ट करने का, लाला से कह रहे थे कि एक घंटा जिम लगा के आना, तो ये बड़ा जरूरी होता है अच्छा दोस्त मिलना और एक ही फोकस पे रहना, एक ही उनकी थिंकिंग हो, तो ये क्रिकेट के लिए बड़ा इजी। हमने जब भी परफॉर्म किया है तो मैं समझता हूँ कि हमारी दोस्ती को भी क्रेडिट जाता है कि हमें इस चीज़ का बड़ा एजी था। 1996 से 2023, ठीक है, एक लंबा अरसा आपने लाला के साथ गुजारा है। लाला की पर्सनालिटी की वो बात जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, ये हमें पता है, इज़ वेरी काइंड, इज़ वेरी हम्बल, इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, कोई ऐसा एस्पेक्ट जो लोगों को अभी नहीं पता? देखिए, बात यह है कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की, पर यह कि जब टाइम गुजारता है बंदे को पता चलता है, साथ खाना खाया हो, साथ बैठे उठे हो, ट्रैवल किया हो, तो ये कि बड़ा एहसास करने वाले और ये कि किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते। अच्छा। कोई बात अगर इनको लग जाए कि वाकई ये बात ठीक है तो उस पर वो 110% इसको डिलीवर करते हैं और उसके लिए कुछ भी हो जाए वो कह देते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। रज़ाक के साथ मैं बहुत एहतियात से चलता हूँ। अच्छा, क्योंकि एहतियात का मतलब ये है कि ये हमारा जो है ना, मेरा चुन्नी बाबू है, मैं इसको शुरू से
बहुत कहते हैं, मैं बहुत कहता हूँ ये एक मैं क्योंकि खैर साहब मैं इसकी पीठ पीछे भी बात करता हूँ, बहुत ही मासूम किस्म का आदमी है, अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरत दिल दिया हुआ है। जितना बड़ा क्रिकेटर ये पाकिस्तान के लिए जो इसकी परफॉर्मेंसेज हैं माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला ने इसको दिल भी उतने ही खूबसूरत दिया। मैंने आज तक इसको नाराज़ हो जाता है, मुझसे नाराज़ होता है क्योंकि मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करता है ये, और मैं इसको तंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डिवेलप हो जाती है फिर आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं इसके साथ इतना अरसा खेला हूँ, चुन्नी बाबू बस ये मेरा चुन्नी बाबू है, बगैर किसी वजह के चुन्नी, मुझे ये नाम सूट करता है इसके ऊपर। तो मैंने कभी इसको देखा नहीं है कि कभी भी इसने किसी के बारे में किसी के खिलाफ कोई बात की हो। तो ये एक इंसान के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत आदत होती है, क्योंकि हम तो उठते बैठते गीबतें करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि इसने पीठ पीछे किसी के बारे में बात की हो। और अल्लाह करे कि हमें इस किस्म के ऑलराउंडर्स चाहिए, क्योंकि मैंने वो कहते हैं ना कि सफ़र में आपके बहुत सारे लोगों का पता चल जाता है सफ़र आप, और इसके साथ मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, इसके साथ ना कुछ जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, वो इसके साथ उनको समझ नहीं आएगा कि किस क्या इसकी लाइक डिसलाइक, मुझे अच्छी तरह पता है क्या है इनकी लाइक्स डिसलाइक्स। नहीं, लाइक्स बहुत ज़्यादा है, डिसलाइक क्योंकि मैं इतना रहा हूँ तो इसकी डिसलाइक, इसके साथ कोई गलत बयानी, कोई ये खाना खा रहा हो तो इसकी प्लेट में से कोई खाना ना ले। ये गलत बयानी और प्लेट में से खाना ना ले, ये आपने जो ऑर्डर दिया हुआ है ना, आपने जो ऑर्डर दिया हुआ है ना उसी को खाओ, मैंने जो ऑर्डर दिया मुझे खाने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये खाना शेयर नहीं करते, खाना शेयर मेरा मतलब है इतने आराम से नहीं करता मैं। आप तो माशाल्लाह पठान है, आपका तो कल्चर ही है कि खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, तो आपकी तो आदत भी होगी। क्या पता मेरे क्या पता मेरे अंदर कोई दूसरी चीज गलत हो, तो इंसान तो फरिश्ता जा रहा है आपको ठहरे। देखो, खाना शेयर करने की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जब आपको भूख लगी हो तो तब आप शेयर ना करें, तब आप शेयर ना करें। जब आपकी भूख मर गई हो, जब आप पेट भर गया हो तो आप शेयर करना शुरू कर दें, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जो आपकी नसीब में होता है ना अपना खाना वही होता है, पर सुकून से खाना चाहिए। कितना मासूम है, कितनी अच्छी बात की है। अच्छा, लेकिन अभी आपने अभी तक उनकी वो नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं बताया कि जो इसके अंदर नेगेटिव थोड़ा सा मैंने ना इसके हकीकत में ना इसके अंदर मैंने नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं है कि बुराई नहीं है, लेकिन यह है कि ऐसी बुराई नहीं है जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे, वो बुराई नहीं है, वो बुराई नहीं है। कोई ऐसी कन्फेशन जो आप रजाक भाई के सामने करना चाहें जो अभी तक आपने नहीं की, आपको ये मौका मिलता है और रजाक भाई माइंड नहीं करेंगे, कोई ऐसी कन्फेशन जो आपको लगे कि इस पूरे दौरानिए में आपको कभी मौका नहीं मिला इनसे दिल की वो बात करने का। रजाक से दिल की बात मैं कर चुका हूँ सारी बात, इसको पता है कि मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, कितनी इसकी इज्जत करता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत इंसान है, मेरा सफ़र इसके साथ बहुत ज़बरदस्त गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वैसे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है आप दोनों के लिए, और आपने इनके बिहाफ पे जवाब देना है और लाला आपने इनके बिहाफ पे जवाब देना है। फीमेल फैंस किन की ज़्यादा है? इसमें तो नो डाउट शाहिद खान अफरीदी की बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम फैंस मेरी ज्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी ज्यादा है। वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं नहीं, ये तो सबको ही पता है, सबको पता है, इसे माशाल्लाह गुड लुकिंग और स्मार्ट है, तो माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, अगर आपसे एक सवाल है कि अगर आपको, मुझे पता है कि भाभी माशाल्लाह आयशा भाभी सच अ स्वीट पर्सन और कितना ख्याल भी आपका रखती हैं और आप भी उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, और अगर उनकी कॉल आई भी हो और बीच में लाला कॉल कर दें, किसकी कॉल पिक करेंगे आप, उनकी कॉल रिजेक्ट कर देंगे या फिर इनकी कॉल पिक करेंगे? नहीं, लाला की करनी पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि हो सकता है कि कोई जरूरी काम हो। गुड बाय, गुड बाय। नहीं नहीं, बात सही करनी चाहिए, नहीं बात सभी सही करके चाहिए। हां, बेगम से तो रोज बात है, क्योंकि अगर ये सिर्फ इसकी बात नहीं, मैं भी अगर होता ना वाइफ से बात कर रहा तो मैं रजा की कॉल लूंगा, ले लेंगे आप, क्योंकि काम की बात हो सकती है। नहीं, क्या पता इसको मुझसे काम हो। गुड बाय। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे जितने मैचेस हों आप दोनों साथ मिलके खेलें, फिटनेस के हवाले से, इनकी फिटनेस के हवाले से, बिकॉज आपने इनको देखा है परफॉर्म करते हुए, ये मैचेस आगे किस तरह से खेल सकेंगे, कैन ही परफॉर्म? ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं, क्योंकि जो विनिंग स्ट्राइक्स है वो जब तक अब्दुल रजाक ना खेले तो मज़ा नहीं आता, सो वी वांट हिम बैक इन द गेम। और आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? अब जहाँ तक फिटनेस का ताल्लुक है, जब ये खेल रहा था पाकिस्तान से हम साथ खेलते थे, तो मैं इसको कहता था, मैंने कहा रजाक मैं चाहता हूँ कि तेरी तरह मेरी फिटनेस हो, माशाल्लाह 4-6 एब्स होते थे इसके, जबरदस्त अपना फिटनेस का बहुत ख्याल रखता, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से चलता था, ये अच्छी खुराक कितनी करनी है, इतनी करनी इस टाइम पे करनी है, तो ऑफ द फील्ड इसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन थी, मेरी नहीं थी इतनी। किसकी है डिसिप्लिन? अब अभी भी इसी की होगी डिसिप्लिन, ठीक है ना? तो माशाल्लाह से इसने बड़े
प्रोफेशनल तरीके अपने क्रिकेट को बड़ा सीरियस लेके चला है और बाकी परफॉर्मेंस फिटनेस की बात की जाए तो अगर हम आप दोनों के पंजा चैलेंज करवाएं कौन जीतेगा? ये जीत जाएगा। आप जरा थोड़ा सा हमें मैंने अभी आपको रिजल्ट दे दिया ना, ये जीत जाएगा। ये हो गया, ये ले हार गया, ठीक है ना। आपने दोस्ती में अपना नहीं नहीं वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ये। इसके बाद कुश्ती ना करा देना हमारी, वैसे मैच होना चाहिए, मैच होना चाहिए। मैं पूल में गिरा सकता हूं इसको। ये तो आई थिंक इट विल बी अ ट्रीट फॉर आवर फैन। हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन, न्यूयॉर्क वॉरियर के फैंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज? देखिए जैसे लाला ने कहा, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब क्रिकेटर्स के लिए जो खेलना चाहते हैं, जो खेल रहे हैं। और न्यूयॉर्क जो वॉरियर के फैन हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आएँ क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करें। यहाँ पे क्रिकेट प्रमोट होती है तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका है वो जो स्पेस है अमेरिका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का वो फिल हो जाएगा। और ये यहाँ पे क्रिकेट हो रही है और इंटरनेशनल मैचेस भी हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने 5 सालों में यहाँ भी क्रिकेट ऐसी होगी जैसे यूएई में होती थी। अमेजिंग। इंशाल्लाह लाला आप एक मैसेज देना चाहें हमारे उन फैंस को जो कि यूएस बेस्ड है और वो यहाँ पे आना चाहते हैं। आई थिंक न्यूयॉर्क वॉरियर का मुझे एक मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही प्रोफेशनल तरीका मुझे नज़र आ रहा है। मीडिया उनकी जिस तरह कवरेज कर रही है, सोशल मीडिया को लेके चल रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं या अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि ये लीग हो रही है यहाँ पे और आएँ। और मैं भी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ, वी आर हेयर फॉर देम, वी आर हेयर टू सपोर्ट क्रिकेट, वी आर हेयर टू सपोर्ट ऑल द फ्रेंचाइजेज। So, I mean, come and enjoy the game. Again, cricket is a sport that brings people from different backgrounds, from different beliefs, and New York Warriors is definitely trying its best ki aap log tamam tak wo message pahunche, which is a message of peace and harmony. Thank you so much for watching. Till then, take care. Allah Hafiz.